गाइस, कैसे वो हाइक सब बढ़िया होंगे। ठीक ठाक। फाइनली गाइस आ चुके हैं मेगा स्टार सलमान खान की सिकंदर के कोने एपिसोड में वापस। तो भाई क्या ही न्यूज निकल के सामने आ रही है, एंड सभी को भाई इसी चीज का इंतजार था कि यार एज अ प्रोड्यूसर भाई साजिश नाड़ियाड़ वाला भाई क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो न्यूज तो एंड पता तो चले भाई सलमान खान नेक्स्ट ईद में आ रहे हैं। अभी 22 की ईद भी खराब, 23 की ईद भी खराब, 22 की हाँ खराब ही थी ऑलमोस्ट, 23 की भी तो खास नहीं थी, एंड अभी 24 में हम सभी ने देखी भाई क्या हाल हुआ है, और 25 में भाई अभी सलमान खान खुद आ रहे हैं, जिनका भाई ईद में रिकॉर्ड बाप लेवल का है। शायद कोई भी ये आने वाले फ्यूचर में भाई ये रिकॉर्ड उनका तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी नेक्स्ट ईद में उनकी आ रही है सिकंदर भाई, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिश नाड़ियाड़ वाला, जिसको डायरेक्शन दे रहे हैं AR मुर्गूदास। हाँ, सभी को पता होगा भी आमिर खान जी ने क्या बताया था कि भाई वो ऐसा बंदा है कि सीधा मुंह पे बोलता है, अरे यार ये शॉट परफेक्ट नहीं है, फिर से लेते हैं, और सामने कोई भी स्टार, और इस बार सामने कौन है भाई, सलमान खान भाई, वो टोक देता है बीच में। और सलमान खान को कई सारे ऐसे डायरेक्टर भी रहते हैं, यार सलमान खान है चलो इनको अच्छा है तो ठीक ठीक ना, कोई बात नहीं। वट ये भाई ये AR मुर्गूदास है, यहाँ पे आमिर खान ने क्या कहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें उम्मीद है कि ये पिक्चर काफ़ी अच्छी बनेगी, एंड इसको म्यूज़िक दे रहे हैं भाई प्रीतम जी। वैसे देखा जाए प्रीतम जी का म्यूज़िक अच्छा रहता है, जो भी है भाई अभी फ़िलहाल तो भाई दे रहे हैं। बट अभी जो न्यूज़ आ रही है भाई, इसमें फीमेल लीड रोल में भाई रश्मिका वंदना को भाई यहाँ पे कास्ट है वो किया गया है, जी हाँ गाइस, रश्मिका वंदना। देखो अभी सभी को लग रहा था कि शायद कोई बॉलीवुड के इसमें एक्टर हो सकती हैं, अभी कास्ट किसी को भी किया जा सकता है, बट फिलहाल भाई रश्मिका वंदना जी की भाई इसमें एंट्री होती हुई दिखाई है वो दे रही है। क्या लगता है आपको ये सही डिसीजन होगा रश्मिका? देखो अभी रश्मिका को हमने एनिमल में देखा था, मूवी तो अच्छा खासा बिजनेस किया था, बट एज अ उनकी रोल की बात करें, उनके करेक्टर की बात करें, एज अ पब्लिक रिएक्शन तो भाई ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया था, मतलब कि 50-50 आप ले लो। नेक्स्ट अभी बात करें पुष्पा पार्ट 1 की, तो ठीक ठाक था, बट ज़्यादातर भाई फोकस समान था भाई, उनका ही गाना ज़्यादा चला एज आइटम सॉन्ग, और बाकी अल्लू अर्जुन ज़्यादा भाई बात नहीं की रश्मिका वंदना की। जो कि सेकंड पार्ट की बात करें तो अभी हमें पता चलेगा जब मूवी आएगी। वैसे एक गाने आने वाला है यहाँ पे अल्लू अर्जुन का और रश्मिका वंदना का, लेट्स सी गाइस, नज़रें रहेंगी उस पर भी। बट फिलहाल अभी कास्ट कर दी है, नहीं कर दी, अभी कन्फर्म नहीं हुआ, फिलहाल अभी अप्रोच किया गया है, अभी देखते हैं रश्मिका इस चीज़ के लिए एग्री करती हैं या फिर नहीं। कर लेती हैं तो ठीक है भाई, अभी देखो साजिद हैं भाई, उनका जो भी डिसीजन रहता है भाई हमेशा सही रहता है, उनकी मूवीज़ का आप हाली का रिकॉर्ड उठा के देखोगे काफ़ी बढ़िया है। लेट्स सी गाइस, अब देखना दिलचस्प होगा। बट हमें लगा था कि शायद भाई तमिल की शायद त्रिशा को भाई इसमें लिया जा सकता है, शायद कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस इसमें हो सकती हैं। चलो भाई जो भी है अब क्या कहा जा सकता है, बाकी इसमें भाई आप सभी का क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक्शन ड्रामा इमोशनल, वो भी रश्मिका वंदना एंड साथ में सलमान खान, ठीक है पहली बार भाई दोनों एक साथ आ रहे हैं, उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी डेवाइस एडवांस बुकिंग और डेवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी जगह पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।